नादरीन, आज हम कराची की एक बड़ी मशहूर मस्जिद जामा मस्जिद शाह फैसल के पास मौजूद हैं। इसके पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, पीछे इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है और गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 के अंदर वाक़ है। इसके बारे में जितनी मालूम होगी आप जरूर शेयर करूँगा। जज़ाकअल्लाह। कराची में वाक़ है। इस मस्जिद का तामीरी काम कुछ साल पहले ही मुकम्मल हुआ है। इस मस्जिद को बनजर हूबहू बैतुल मक़द्दस जैसा बनाया गया है। इसका हुस्न इंतहाई दिलकश और दिलफरेब, जो पहली नज़र में देखने वाले को बेसाख्ता माशाल्लाह कहने पर मजबूर कर देता है। इस मस्जिद का एक दरवाज़ा जो कि मरकजी दरवाज़ा कहलाता है, वो शुमारी मगरिब की तरफ है। एक दरवाज़ा और भी है जो कि इफ्तिखार सैयद हॉकी स्टेडियम में खुलता है। इस मस्जिद में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2500 से 3000 नमाजी बआसानी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का तकरीबन आधा हिस्सा खुली फिज़ा में मुस्कन है, यानी कि मस्जिद का आधे से ज़्यादा हिस्सा खुला सहन है जिसमें तरावी और अफ्तारी बाकायदगी से होती है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाएँ जानब वज़ू खाने और इस्तिंजा खाने मौजूद हैं, जबकि बाएँ जानब जनाज़गाह मौजूद है जिसमें तकरीबन 3 सफ़ों की जगह मौजूद है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा इंतहाई हसीन है, जिसमें दरमियान में फ़ानूस आवीज़ा किया गया है। मस्जिद के अंदर किनारों पर कुरान करीम पढ़ने के लिए जदीद रहलें दीवारों में नस्ब की गई हैं, जबकि कुरान पाक के लिए भी दीवारों में जगह मुअय्यन की गई है। मस्जिद के दाएं जानिब एक खूबसूरत मीनार है जो मस्जिद का हुस्न दुबाला कर देता है, जो रात के वक्त रोशनी से चमकाया जाता है। इस मीनार की एक और मज़ेदार खासियत यह है कि इस मीनार के चारों अतराफ में कुल लिखे हुए हैं। मस्जिद के चारों अतराफ में भी बड़े बड़े हवादान मौजूद हैं, जिसमें से मस्जिद के अंदर हर वक्त हवा का गुजर रहता है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये मस्जिद शाह फैसल ने अपने दौरे ज़माना में बनवाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मस्जिद दरअसल में कुछ साल पहले ही अहले मकीनों की मदद से मुकम्मल की गई है। बाद में इसका नाम शाह फैसल शहीद रखा गया, जो कि शाह फैसल से मोहब्बत और अकीदत में रखा गया है। इस मस्जिद का मुझे 2 दफ़ा दौरा करने का मौका मिला, जिसमें मैंने हर मरतबा दिलफरेब मंजर ही देखा। इस मस्जिद में मशरक़ की जानिब मदरसा भी मौजूद है जिसमें तुलबा पढ़ते हैं। रिहायशी तुलबा के लिए अभी ताहाल कोई जगह नहीं है, लेकिन मुमकिन है मुस्तकबिल में ज़रूर होगी। मस्जिद में माजूर हजरात के लिए भी जगह है, जिससे माजूर कुर्सी यानी व्हील चेयर के लिए भी जगह बनाई गई है, जो कि सीढ़ी के साथ साथ चलती है। मिल सकी मैंने आपको मुहैया की, इससे मुमकिनन कमी बेशी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इस मस्जिद की कमेटी इंतहाई सख्त है, जिसकी वजह कुछ वक्त कबल इस मस्जिद के लोगों ने सिर्फ तस्वीर के लिए मुख्तस कर लिया था। बाद अज़ां कमेटी को मजबूरन सख्ती करनी पड़ी ताकि मस्जिद का तकद्दस बामाल ना हो। आखिर में मैं अपने एक दोस्त हारिस भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मालूम इकट्ठे करने में मेरी मदद फरमाई। हमेशा की तरह आखिर में मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आपके मुंसलिक या आपके इर्द गिर्द जो भी मसाजिद मौजूद हैं, आप इनके साथ ताउन करते रहा करें, क्योंकि मसाजिद अल्लाह पाक का घर हैं और इसका बदला अल्लाह पाक ही आपको देगा। क्योंकि आपका माल आपको उस वक्त दिया जाता है जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी कि आखिरत में। आप सब हजरात से यही तवक्को की जाती है कि इंशाल्लाह आप मसाजिद में ताउन करते रहेंगे और अपने अमाल और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाते रहेंगे। जज़ाकअल्लाह और शुक्रिया।